हर जन्माष्टमी से पहले ये वाला जो मिठाई है ये बचपन से मेरे घर में बनता आ रहा है। तो चलिए आज हम बनाएंगे मेरे घर वाला स्पेशल नारकेल नाड़ू, जिसे आसानी से आप 15 से 20 दिनों तक फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शाश्वती। रेसिपी ऑन प्लेट में आप सबका स्वागत है। तो आइए नारकेल नाड़ू बनाते हैं। इसके लिए एक पैन के अंदर हम हाफ कप पानी लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर, और इन सबको तब तक मिलाएंगे जब तक कि मिल्क पाउडर पानी के अंदर अच्छे से घुल ना जाए। जब ये अच्छे से घुल जाएगा फिर इसके अंदर डालेंगे फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का कोकोनट को ग्रेट करके लिया है। कप के हिसाब से ये करीब 3 कप ग्रेटेड कोकोनट है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप गुड़। गुड़ के जगह आप चीनी भी डाल सकते हो। इन सबको तब तक मिलाएंगे जब तक कि गुड़ एकदम मेल्ट ना हो जाए। इसे पकाने के टाइम हम हीट को लो रखेंगे। फिर यहाँ पे डालेंगे 3 इलायची को कूट के और फिर इसे अच्छे से पकाएंगे। टाइम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है, और अगर आप इसे हाथों से चेक करना चाहते हो तो थोड़ा सा पोर्शन ऐसे आप प्लेट में निकाल लो और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करके हाथों के मदद से आप इसके लड्डू बना लो। और ये लड्डू अगर आपके हाथों में अच्छे से होल्ड कर रहा है और आसानी से नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये नारकेल नाड़ू का जो मिक्सचर है एकदम रेडी है। फिर हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और 5 मिनट तक ठंडा करने के बाद थोड़ा सा गर्म रहते ही हम इसे ऐसे गोल गोल सा पका के नारकेल नाड़ू को बना के लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे ग्लास के जार में स्टोर कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब रेसिपी ऑन प्लेट। बाय बाय।